ओलंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद देश की निगाहें पैरा ओलंपिक पर टिकी है, जो टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बार सबसे अधिक चर्चा एक IAS अफसर की हो रही है, जो यूपी में गौतम बुद्ध नगर जिले के DM हैं। सुहास LY बैडमिंटन के खिलाड़ी है। पिछली बार उन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तब वे प्रयागराज के कलेक्टर थे। क्या इस पैरा ओलंपिक में वे देश के लिए सोना ला पाएंगे? DM की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ इन दिनों वे बैडमिंटन कोर्ट पर भी खूब पसीना बहा रहे हैं। जोश, जज्बा और जुनून, यही मूल मंत्र रहा है सुहास LY का, जिनका पूरा नाम है सुहास लालिना केरे यथिराज। केरल के रहने वाले सुहास 2007 बैच के IAS अफसर हैं। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर में जब नोएडा में हालात बिगड़ने लगे थे, तो उन्हें प्रयागराज से लाकर गौतम बुद्ध नगर का DM बनाया गया था। उनके चार्ज संभालने के बाद धीरे धीरे हालात सुधरते गए। उन्हीं दिनों लॉकडाउन के कारण हजारों गरीब और मजदूर अपने घरों की तरफ चल पड़े थे। गाजियाबाद और नोएडा में लोगों की भीड़ लग गई। इनमें से कई लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया था। इन दिनों सुहास LY का जिक्र पैरा ओलंपिक में जाने को लेकर हो रहा है। शुरुआत में टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी। वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद सुहास बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने लगे थे। उन्हें खेलते देखकर प्रशासन के लोगों के मन में टीकाकरण का डर दूर हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कई बार देश के लिए मेडल जीता है। 2016 में बीजिंग में एशियाई पैरा ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले वे पहले प्रशासनिक अधिकारी बने थे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य गोल्ड जीतने का है। तो फ्रेंड, है ना ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी। तो फ्रेंड, ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो और फैक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एटीट्यूड।